टॉपिक का नाम आप सुन के अपने आप में उत्साहित हो जाओगे। आपने कभी ऐसा सुना है पेलिंड्रोम बर्ड? बोलो, पेलिंड्रोम्स का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत मजा आएगा आपको, सीखने में भी बहुत मजा आएगा, मुझे सिखाने में भी बहुत सारे मजा आएगा। लेकिन मैंने कुछ पीडीएफ, मैंने इसका एग्जांपल लगाने के लिए मैं आपके अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में मैंने सेंड किया हूं, बराबर है जो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं मिक्स तरीके से और उसमें दिया हुआ टॉपिक वाइज, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हेडिंग देना क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हेडिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेलिंड्रोम्स। अब पेलिंड्रोम्स वर्ड क्या होता है? जैसा कहने का मतलब कि जिसका उल्टा सीधा एक समान हो जाए। अरे बोलो। हाँ सर। इसका उल्टा सीधा एक समान हो जाए, यानी कुछ हिंदी वाले वर्ड में आपको बोल रहा हूं, जैसा नयन, न या न, डालडा, बराबर है। इस तरह के वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं पेलिंड्रोम वर्ड, इसको बोलते हैं, बराबर है। इंग्लिश में आपको, यदि आप इसको लिखते हो एन ए वाई ए एन, सही है? बताओ मुझे, पेलिंड्रोम है? यस सर। यानी कहने का मतलब पेलिंड्रोम वर्ड का मतलब ही होता है उल्टा सीधा एक समान। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, उल्टा सीधा एक समान, इसका मतलब क्या? उल्टा सीधा एक समान, सीधा इधर से जाएगा, उल्टा सीधा एक समान। बराबर है, क्लियर? अब एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है, पेलिंड्रोम वर्ड में बहुत सारी बातें आपको मिलेगा, कुछ और भी एग्जांपल यदि आप लेना चाहोगे लगे तो आप लिख सकते हो, दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड जो है। बरो लो, सांस। नेक्स्ट, एक खतरनाक नहीं है बेटा, नयन, या कोई ऐसा ही दे दिया, ए बराबर है, उल्टा सीधा सभी तो एक समान ही है ना, बोलो। हाँ सर। अभी इस पे कुछ सवाल यदि मैं देता हूं आपको, इस पे कुछ सवाल देता हूं, एक कौन सा मॉडल है, नेक्स्ट मॉडल में आप लिख देना, मॉडल नंबर कितना बेटा, ये रैंक कितने नंबर मॉडल पे था? छे शायद से। अरे नोटबुक उलट के देख लो, रैंक छे वाला था, मॉडल नंबर कितना था, रैंक सात, सात हो गया, आठवें नंबर है, छे हो गया था सर, छे हो गया था, ये सेवन थे, ये सेवन थे, ये सेवन था, तो मॉडल सेवन, मॉडल सेवन नंबर मॉडल पे हम आ रहे हैं, बराबर, यानी सातवें टाइप के कुछ सवाल अपन करने जा रहे हैं इसमें, रेडी ना? यस सर। सातवें नंबर, यानी सातवें टाइप के कुछ सवाल अपन इसमें करने जा रहे हैं। अब एक बात समझना, बहुत सरल सी बात, आखिर आपने पेलिंड्रोम बट तो समझ गया, अब आपसे पूछ रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहूंगा इसके कंसेप्ट, लिख लेना, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू गेट फाइव लेटर्स पेलिंड्रोम्स।
रेडी, पांच लेटर के वर्ड है, पांच लेटर के वर्ड है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एक बात समझना, सवाल समझा पहले कि आपको पांच लेटर के वर्ड है यानी पांच डब्बे तो बनना ही चाहिए। एक बात समझ लेना, एक दो तीन चार पांच डब्बे मैंने बना लिए, कौन सा भी लेटर की बात कर रहा हूं तो अपने पास टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। मैंने मान लिया कि सभी में ए भर रहा हूं, 26 में से कौन सा भी एक लेटर को पकड़ लिया ए, लेट अस अज्यूम, तो सभी में मुझे ए लिखना होगा। पेलिंड्रोम की बात कर रहा हूं तो क्या बोला, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू गेट फाइव लेटर्स पेलिंड्रोम, तो मैंने कोई भी लेटर मतलब एज्यूम करके मैंने आपको बता रहा था, तो तू बता कि 26 लेटर में से कौन सा भी एक लेटर भरना पड़ेगा। तो पहले वाले के पास ऑप्शन 26, पहले वाले के पास ऑप्शन कितना है? 26 लेटर है ना, क्योंकि टोटल लेटर कितने होते हैं पहले बता मुझे। 26 यानी पहले वाले के पास ऑप्शन है 26। अरे बोलो। यस सर। क्या है ऑप्शन? 26 बोलो ना। 26 26 सर, 26 26। नेक्स्ट कितना है? 26 नेक्स्ट कितना? 26 नहीं, नेक्स्ट कितना? 26 नहीं। एक बात समझना, आखिर क्यों पेलिंड्रोम का मतलब ही क्या होता है, पहले वो बात तो समझो। पहला अपना मजबूरी है, पहला अपना स्योरिटी है और लास्ट से अपना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि आपने यदि यहां पे एन लिखा, एन यदि 26 तरीके से फिल किया तो यहां पे तो एन लिखना आपको मजबूरी होगा, क्योंकि जो वर्ड का नाम दे दिया है पेलिंड्रोम, एन आपको लिखना ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं लिख सकते उसके जगह पे। बात समझ में आ रहा है? पेलिंड्रोम वर्ड में आगे से क्या रहता है? ऑप्शन, और पीछे रहता है कंफर्मेशन। कि आप यहां पे यदि एन लिखा तो आपको यहां पे एन ही लिखना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आपको। बोलो। हाँ सर, सर मतलब वहां पे एक ही पाएंगे। हाँ सर। नहीं समझा? समझा सर। सर फिर से बताओ ना एक बार, रिपीट। फिर से बता रहा सर, मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुन लो। पहले भरने के तरीका आपके पास 26 है तो लास्ट के भरने का तरीका एक होगा। क्यों? क्योंकि पहले में आपने जो भी भरा है, जो भी ऑप्शन आपने फिल किया है, वही आपको आखिरी में रखना होगा। पेलिंड्रोम बट वही उसी को बोलते हैं ना अपन, पेलिंड्रोम का मतलब उल्टा सीधा एक समान। बोलो सर, आपने बोला था ना कि लेटर्स में रिपीट नहीं होते अल्फाबेट्स, वो नंबर्स में। पेलिंड्रोम में क्यों नहीं होगा रिपीट? पेलिंड्रोम वर्ड किसको बोलेंगे? हाँ तो होगा लेकिन वो। बोलो बोलो बोलो। लेकिन लेकिन वहाँ पे वो 26 into 26 into 26 लिखा ना आपने। हाँ तो वहाँ पे 26 into 25 into 24 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने को नहीं मालूम है कि कौन सा वर्ड यदि नहीं दिया हुआ है अपने को। अपने को ओनली दिया हुआ क्या है, अपने को क्या दिया है कि फाइव लेटर पेलिंड्रोम बोलना है, तो आप भी फाइव लेटर में ए ए ए ए ए ए भी लिख सकते हो, बराबर है। यदि पांच लेटर में मैंने सभी में ए भर दिया, मान लिया कि सब में मैंने ए भर दिया, अब ए भी तो पेलिंड्रोम ही है ना। बोलो ना। हाँ सर। तो पहले ए भरने का तरीका जो था अपना 26 है। हाँ बोलो। मतलब जो सेकंड नंबर पे रहेगा वो सेकंड लास्ट पे रहेगा। हाँ, जो थर्ड पे आएगा थर्ड लास्ट पे रहेगा। हाँ। बोल क्या रहा हूं, उल्टा सीधा एक समान का मतलब ही वही हुआ ना। जो पहला एन है, एन आपको इधर से एन भरने की जरूरत है, पीछे वाला ऑटोमेटिकली भरते जाएगा पेलिंड्रोम वर्ड में। आप इसको एन को हटा के दूसरा ए नहीं लिख सकते, फिर पेलिंड्रोम रहेगा ही नहीं ना। आपको आगे से भरते जाना, पीछे वाला खुद भरते जाएगा। मतलब ऑपोजिट साइड से भी सेम सेम वर्ड है,
हाँ सर, क्या लिखा समझा सर, उल्टा सीधा एक समान का मतलब क्या लिखा, वही लिखा। तो आगे और पीछे कैसे भी पढ़ोगे तो क्या होगा, उसी तरह के वर्ड को ही बोलते हैं पेलिंड्रोम वर्ड्स। और कभी भी सवाल में यदि कहीं दिया हुआ रहा कि पेलिंड्रोम वर्ड्स का यूज किया हुआ रहा, तो आप समझना आगे से आपको भरना है, पीछे ऑटोमेटिकली भरते जाएगा। बात समझ में आया, आपका टेंशन बस आगे से भरना है, पीछे से ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि पेलिंड्रोम वर्ड है, पीछे आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पे एन भरा तो पीछे एन खुद से आएगा, आपको भरना नहीं है उसको, वो तो एक फिक्स है, वो पीछे से क्या हो जाता, इधर हो जाता मजबूरी, मजबूरी पीछे से भरना तो मजबूरी है उसका। अरे बोलो, क्योंकि यहां बेटा यहां ऑप्शन नहीं है, यहां ऑप्शन नहीं है, यहां ऑप्शन नहीं है, यहां मजबूरी है भरना। बात समझ में आया, यदि मान लिया तुमने ए पहले वाले में भर दिया तो आखिरी वाले में जब ये पेलिंड्रोम वर्ड बोला तो यहां ए ही भरना है, बी नहीं भर सकते तुम। तो आगे का आपका ऑप्शन है और पीछे में कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे में क्या है मजबूरी है, आगे क्या है अपना ऑप्शन, ऑप्शन है अपने पास लेकिन पीछे क्या है मजबूरी है। बात समझ में आया, तुम बताओ कि यदि तुम नयन लिख रहे हो बराबर है, यदि नयन आपने लिखा एन ए वाई ए एन, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, पहले में एन आपको चूज करना होगा। yes, तो इधर का एन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना जब पेलिंड्रोमेट बट, तो यस सर, यस सर, बोलो जी, नहीं समझा, समझा सर, पेलिंड्रोम वर्ड का मतलब समझा कि नहीं समझा पहले बताओ। मैं तुम्हें बोला कि उल्टा सीधा एक समान, मेरे को समझ गया सर, मैं बोला कि तुमसे सिंपल कि उल्टा सीधा एक समान वाला मुझे कुछ वर्ड बताओ, तुम बोल दोगे सर जहाज, तो ज आगे लिखा तो पीछे ज आया ना, खुद से आया ना, यदि जहाज ना दिख के जाके जगह कुछ लिख देता तो पेलिंड्रोम होता ही नहीं। यस सर, समझा सर। अरे बोलो, नमन, यदि तुमने लिखता नमन, नमन, तो आगे न लिख रहा तो पीछे तुमको न लिखना ही है, पेलिंड्रोम उसी को बोलते हैं। अब बीच में तू कुछ भी लिख दो, क्या लिख दो, नकन, बोलो। यस सर, यस सर, पेलिंड्रोम समझा, यस सर समझा, कहां गया अथर्व, कहां गया, अरे पूछो उससे बेटा, पेलिंड्रोम समझा क्या होता, पेलिंड्रोम सर वो हर्षवर्धन ने पूछा था, मेरा डाउट अलग था। हाँ तुम्हारा क्या था, चलते रहे पूछता हूँ, बोल सर, मेरा वही था कि मतलब अभी क्लियर हो गया सर, वो पक्का ना। हाँ सर, पेलिंड्रोम का मतलब ही होता है उल्टा सीधा एक समान, जब मैंने ये सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हूं ना, तब आपको सारी चीज यहां से क्लियर होना कि आगे अपने पास ऑप्शन है भरने के लिए लेकिन पीछे अपना मजबूरी हो जाता है। यदि मैंने आगे लिख दिया क्या लिखा, यदि मैंने कखा गघा पूरा में से क यदि आगे लिखा सेलेक्ट किया, अच्छा कखा गघा कितने होते टोटल, गया तक मालूम नहीं सर, वो अभी याद है, चल ठीक है, एबीसीडी कितने होते हैं, 26, अभी आपने कुछ दिन पहले ही बताया था सर, 26 तो याद है, अभी तो ताजा है, इसीलिए मैं तो ये भी भूल गया था, बराबर है, 26 लेटर होते हैं, यानी पहले वाले में हम कुछ भी भर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो अपने पास ऑप्शन है 26 के 26, लेकिन लास्ट वाले को भरने का वही डिजिट भरूंगा तो उसके लिए ऑप्शन एक ही है क्योंकि ये पेलिंड्रोम है, तो पहले 26 तो लास्ट में कितना, एक। बात समझ में आया जी,
और एक क्यू आया जी, क्योंकि यहां ऑप्शन नहीं, यहां तो मजबूरी है, यहां पे ये बात लिखना, अपने शब्दों में लिखना नोटबुक में, जो मैं लिख रहा हूं ना जिस तरह से, आप नोटबुक में भी इस तरह से लिखना आपको समझने के लिए, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे कुछ समय के बाद तब तुम्हें बात समझ में आना चाहिए, फिर तुम वहां सोचोगे यार इसको 26 लिखा, इसको एक क्यों लिखा, बराबर है, तो ये बात लिखना। नेक्स्ट बोला बेटा, इसको भी 26, तो यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इस ये तो बीच वाला है ना, ये तो 26 रहेगा, तो टोटल की बात यदि मैं करूं इसका, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, हाउ मेनी नंबर बोला ना, तो टोटल करूंगा, तो टोटल इज द 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 1 इंटू 1 यानी 26 का क्यूब। बोलो जी, बोलो जी। यस सर। फास्ट लिखो, जल्दी लिखो, उस सवाल और दू पैलिंड्रोम पे। यस सर। हाँ सर। यस सर। करोगे? यस सर। यस सर। मैं कुछ सवाल और भी आपको दे रहा हूं, लेकिन बेटा मैंने जो असाइनमेंट दिया था असाइनमेंट के बारे में शायद से आप लोग भूल गए होंगे, अभी तक सबमिट नहीं हुआ है असाइनमेंट, मुझे याद है। कौन सा सर? पीएनसी का? बीच में कुछ भी रख सकते हो बेटा, 26 में से कुछ भी रख सकते हो। क्या है कि ए है, युवराज के क्वेश्चन था, तो मैंने बोला कि बीच में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बेटा ए ही होना चाहिए, 26 में से कौन सा भी ऑप्शन सर, मैंने लिख के दिया ना कौन सा भी ऑप्शन। हाँ थोड़ा सा साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लिए क्योंकि लोनो बेटा भारी रहता हूं। नहीं सर, फिर क्या होता कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होता, फिर बाद में कुछ हम स्किप कर जाते, मतलब ऐसे याद नहीं रहता। तू क्या बोला बेटा, मैं नहीं समझा, इसलिए तुम एक बार स्क्रीनशॉट लिख लो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ क्या तुम बोल रहे हो। ठीक है, हो गया लिख के ना, स्क्रीनशॉट ले लिया? रुको सर, हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेने में इतना देरी लग रहा है? हो गया सर। ओके, नो इशू, बढ़िया। तो पैलिंड्रोम के कुछ सवाल मैं देखता हूं, रेडी, उस सवाल ढूंढ रहा हूं आपके लिए, मिल जाए तो मैं उसको जरूर करा दूंगा, और नहीं मिला तो फिर उल्टा सीधा एक समान वाला कोई सवाल दिख रहा ही नहीं रहा मेरे को। चलो ठीक है ना, कहीं आएगा तो अपन उसको करेंगे। रेडी? हाँ सर। क्लियर? तो ये हो गया, कौन सा मॉडल बेटा बोलना? yes. मॉडल नंबर 7। तो 8 नंबर मॉडल में लिखना। मॉडल नंबर कितना है? अरे बोलो। हाँ तो मॉडल नंबर 8 में लिखना। अब कुछ सवाल अपने को आएंगे, कुछ सेल्फ प्रॉब्लम, सेल्फ का मतलब क्या हुआ, कुछ जैसा रैक रहता ना बुक्स रखने के लिए, चाहे कुछ ऐसा रखने के लिए, उस तरह के कुछ सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं, और उसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा इस कंसेप्ट आपको देखना है। मॉडल नंबर कितना? 8 में। 8 ना? यस सर। हाँ सर। हाँ आपके 8 नंबर मॉडल में देखना, मॉडल 8 में लिखना बुक इन सेल्फ, मॉडल क्रमांक 8, और इसमें आपको अरेंज करना है, लिख लेना बुक्स इन सेल्फ। SHELF यानी किताब को रखने के तरीके, अपन रैक में रखते हैं ना किताब को,
बराबर है, जिसको बोलता है अपन यहां से सीखने जा रहे हैं बॉक्स मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बॉक्स मेथड, बहुत प्रचलित मेथड है बॉक्स मेथड, बराबर है। कभी बॉक्स मेथड सीखना है, फिर उसके बाद गैप मेथड सीखना है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है बॉक्स मेथड और गैप मेथड। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, देखना। सपोर्ट डैट कि मैंने बुक्स आपको दे दिया, बुक्स दे दिया PCMB, इतने सब्जेक्ट का मैंने आपको बुक दे दिया, बराबर है। हेलो, यस सर। में मतलब क्या करोगे तुम, यदि मैंने आपको दे दिया अरेंज करने के लिए बुक्स को, तो तुम्हारा काम क्या होगा, फिजिक्स को एक तरफ लिखोगे, केमिस्ट्री को एक तरफ रखोगे, मैथ्स को एक तरफ रखोगे और बायो को एक तरफ रखोगे, बराबर है। यानी सबके लिए अलग अलग बॉक्स बना लिया, 1, 2, 3, 4। हालांकि ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, इससे हमने बहुत सारे सवाल किए भी हैं, लेकिन बॉक्स मेथड क्या होता है आपको जानना भी जरूरी है, इसी को बॉक्स बोलते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन कि पहले बॉक्स में कौन सा सब्जेक्ट को रखना, तो पहले बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं बता मुझे। चार के बॉक्स के आपको रैंक, तो पहले वाले को भरने का तरीका कितना बेटा बोलना, चार। चार दूसरे को भरने का तरीका कितना, तीन। नहीं कितना, दो, एक। यानी टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग दिस बॉक्स, यानी बुक को प्लेस करने का नंबर ऑफ वे की बात करूं तो आपके लिए 24 आ जाएंगे। यस और नो, सर। यस और नो, यस सर। यस सर, तो लिख लेना, यस सर। 24 ये बॉक्स मेथड, ये बॉक्स मेथड बेटा। बॉक्स बना के हम कैसे जानते हैं, और हालांकि हमने इसके यूज पहले से करते आए, लेकिन स्पेसिफिक हमने ये बातें आपको नहीं लिख के दिया कि बॉक्स मेथड होता क्या है, वो मैंने इस मॉडल में आपको बताया हूं बॉक्स मेथड क्या होता है। रेडी, यस सर। अब इसमें दो तीन बातें आपको समझना। ए नंबर वन केस मैंने लिया, इसको लगे तो केस वन लिख देना, ऐसा केस वन लिख दिया। केस वन में बुक्स कितने, चार। बुक कितने, चार, और सेल्फ कितने, सेल्फ भी चार। बोलो ना केस वन में ऐसा करके लिख देना, बुक्स कितने बेटा बोलना, चार, और सेल्फ कितने, ये भी चार। सब मैंने प्लेस किया केस वन में ऐसा, बराबर है। हो सकता है आपके पास रेक पांच हो और बुक चार हो, हो सकता है आपके पास रेक तीन हो और बुक चार हो, यही सब पॉसिबिलिटी तो है, बाकी पॉसिबिलिटी थोड़े ना कुछ बनता है। आपको यदि मैंने किताब दे दिया तो कितने सारे पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो सकता है कि अपने पास नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो और किताब कम हो। अरे बोलो जी, बोलो। हाँ सर। यस सर, सुनो क्या बोला मैंने, बोलो क्या क्या कंडीशन हो सकता है मेरे को बता। या तो बुक और एक दोनों आपस में इक्वल, तो जब इक्वल रहेगा तब हमने तो एक काम कर लिया। अब मैं बताने जा रहा हूं केस सेकंड में, केस वन ऐसा हो गया, केस टू लिख देना, केस टू में लिखना बेटा, केस वन केस टू कर लेना, बराबर है। यानी बुक कितने, चार, और सेल्फ कितने, पांच। कहानी तो कुछ ऐसा रहेगा, यानी रेक कितने हैं टोटल अपने पास, पांच बॉक्स हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, पांच बॉक्स हैं। तू बता बुक कितने हैं, चार है। चार, चार, चार है। तो नंबर ऑफ वेज टू कीप द बुक्स क्या होगा, बोलो जी। एक
बात समझना, क्या होगा तरीका, क्या होगा? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि पांच सेल्फ है और चार बुक है, यानी एक सेल्फ कौन सा भी तो खाली रहेगा। हाँ सर, तू ऐसा सोचेगा कि नहीं सर, एक में मैं इंपॉर्टेंट रखूंगा सारी चीजें, तो किसी एक में ही रख सकते हो ना। अरे बोलो तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात, तू खुद से सोचना बेटा, ये कोई मैथमेटिकल सवाल थोड़े है, तो मैं लॉजिकल सवाल बोल रहा हूँ आपको, लॉजिकल सवाल बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें चार सब्जेक्ट के बुक दिया और पांच रेक है तुम्हारे घर में, जनरली होता भी है, लेकिन तुमने सोचा नहीं इसमें कभी, बस तुम रख दिए, बुक फेंक दिए और बस निकल गए वहां से। वही तो पीएनसी है बेटा, जो तुम अपने घर में ऑब्जर्व कर रहे हो वही तो पीएनसी है तुम्हारा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और उसी को आप अपने दिमाग में फील लाना है उसके लिए। बोलो ना सर, फीलिंग नहीं है सर, दे दिया, बांट दिया लोगों बेचारा। तो तू बता मुझे कि पांच में से एक तो खाली रहेगा। यस सर। अरे बोलो। तो मैंने मान लिया कि उसको खाली कर लिया, इसको या बीच में किसी एक को खाली करना पड़ेगा, तो बाकी में लगे तो यहां पे लिखना किसी एक को खाली रख, किसी एक को बाजू में लिख लेना, अपने शब्दों में लिख लेना, किसी एक को खाली रखना पड़ेगा। अरे बोलो, किसी एक को खाली रखना पड़ेगा। तो खाली रखने का ऑप्शन कितना है पहले बताओ मुझे, पांच, फाइव। खाली रखने का ऑप्शन कितना है पहले मेरे को बता। हाँ मतलब कौन सा भी रख, कौन सा भी रख सकते ना। अरे बोलो रे बाबा, बोलो रे। पांच में से एक को खाली रखना है तो कौन सा भी रख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है इसी को रखूंगा, तो खाली रखने का तरीका हो गया पांच। अब बाकी चार जगह पे चार बुक को प्लेस करने का तरीका तो है ही तेरे पास, 24। नहीं समझा, समझा तो लिखना है सर, किसी एक को खाली रखना पड़ेगा और खाली रखने का तरीका कितने हैं, पांच। ये लिखना अपने नोटबुक पे, लिखो बेटा ये बात, ये नोटबुक पे लिखो आप, खाली रखने का तरीका भी कितना है, पांच। और फिर ऐसा लिखना, फिर चार प्लेस, चार सेल्फ को चार बुक से भरना है, सेल्फ को फोर बुक से भरना है, प्लेस करना है, करना यानी कहने का मतलब कि चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, और इधर पांच तो है ही, तो टोटल कितना हो जाएगा बता मुझे, 120। पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 120। तरीके से हम किताब को रख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं अपने चलते फिरते जीवन में, बस एक ही तरीका यूज करते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्या करते हैं, फिजिक्स का इसमें रख दे, केमिस्ट्री का उसमें रख दे, मैथ्स का इसमें रख दे, और बस मोकड़ा हो जा और जल्दी निकल जा, और भी काम है क्योंकि अपने। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं इसी में क्यों रखू, रखते ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें क्यों रखू, मैं इसमें भी रख सकता हूं, तो वही उसके लिए ही तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। और जो नहीं सोचता है, बस यहाँ पे रख दो, यहाँ पे बहुत जगह तो मिक्स करके रखते बच्चे लोग, और तुम ही लोग होंगे मिक्स करके रखने वाले जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की टंगड़ी खींच देते हैं। अरे बोलो जी, बोलो। अब दे रहा हूं नेक्स्ट बेटा, बुक्स चार हैं, यदि मैंने बुक्स तीन और पटिशन चार दे दिया तो क्या होगा बता मेरे, बुक्स तीन केस टू समझा क्या, और केस थ्री का, केस थ्री में लिख देना है ऐसा, केस थ्री के लिए नंबर ऑफ बुक्स इज ग्रेटर देन सेल्फ, यहां पे बुक्स एक कंडीशन में लेस देन कितना सेल्फ था, यहां पे
बुक्स इक्वल्स टू सेल्फ और केस थ्री में बुक्स ग्रेटर देन सेल्फ। और एक कंडीशन को सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा आपको, कुछ जगह छोड़ देना आप लगे तो, और 10 लाइन मतलब आधे पन्ने छोड़ देना जगह, मैं आऊंगा इस पे, एक कंडीशन को सॉल्व करूंगा, वेट एंड वॉच कर, रुक जाओ। 8-10 पेज छोड़ने, 8-10 लाइन, आधे पेज बोला, आधे पेज बराबर है। केस थ्री को लिखने के लिए आधे पेज छोड़ दो, फिर मैं जरूर बताऊंगा कि बेटा केस थ्री अब आप सीख चुके हो, अब आप वहां पे लिख लेना, बराबर है। म्यूजिकल चेयर खेलेंगे ना अपन, वेट करो ना, म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं, चेयर कम होते हैं। अरे बोलो सारे में परमुटेशन कॉम्बिनेशन है बेटा। Yes. बस दिमाग तुम जितना लगा पाओ वो सब तुमको दिखेगा, प्रैक्टिकली दिखते जाएगा। और मैथ से कोई रिलेशन नहीं है इसके, मैथ से कुछ है ही नहीं बेटा, मैथ इसमें कहां को यूज कर रहा हूं मैं तो बस दिमाग यूज करवा रहा हूं आपसे, प्रोबेबिलिटी के जैसा। हाँ एक खत्म हो गया तो प्रोबेबिलिटी तो इसके दाहिने बाएं घूमेगा बेटा, रेडी। चलो नेक्स्ट मॉडल में आना, कितने नंबर आ गया, 9। मॉडल 9 रेडी। अरे बोलो जी, क्लियर, कुछ बोल नहीं रहे हो, इतने सदमे में चले गए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। यस सर। नहीं सर। तो बेटा छोड़ देना है चैप्टर, सदमे में चले गए तो छोड़ देना, क्या करेंगे, लेकिन हम तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें तो पढ़ाना पड़ेगा। अब जितना तुम दिमाग लगाओगे उतना ही दिमाग चलेगा तुम्हारा, इस चैप्टर वैसा ही है, दिमाग लगाने का खेल है जिसमें कोई मैसी नहीं है। और खास करके इसमें तो ऐसे ऐसे लोग का दिमाग चलता है कि जिसको मैथ्स में कुछ भी नहीं आ रहा हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत दिमाग चल रहा हो। मैं बहुत बच्चे देखा हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिमाग बहुत लगाते हैं और बाकी मैथ्स में नहीं चलता हूं, मैं ऐसे भी बच्चे देखा हूं, क्योंकि मैथ से कोई रिलेशन नहीं है ना इसको, बस सोचने पे तो है बेटा, यदि आप सोच पा रहे हो तो बस काम हो जाएगा। और ये जितने सारे मॉडल मैं यहां से सोल्व करके दे रहा हूं, ये सेम मॉडल आपको घर पे वंस अगेन खुद से समझना है, क्योंकि ये क्या है, सोचने का तरीका है। मैं सोच पा रहा हूं, तुम सोच ही नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हें सोच कैसे सोच आऊंगा बताओ। अरे बोलो एक लिख देना, चलो मॉडल नेक्स्ट लिख देना, मॉडल 9, मॉडल 9। और एक बार घर पे इसको प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करोगे तो। यस सर। लिख देना क्वेश्चन, लिखना नंबर ऑफ वर्ड्स, लिखना नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ द वर्ड, लिख देना मशीन, MACHINE, एक वर्ड लिखा मैंने,
लेटर ऑफ द वर्ड मशीन. कंडीशन है इफ वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन पोजिशन, इफ वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन पोजिशन. कैसे करेंगे? बॉक्स मेथड से ही करेंगे इसको. बराबर है. इवन पोजिशन नंबर वन. सेकेंड नंबर में इफ वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन. अब तुम्हें सोचना है, मैं बहुत सिंपल सब दिमाग से आपको बता रहा हूं. मशीन स्पेलिंग आपको सामने दिख रहा है. कितने सारे हैं पहले बताओ मुझे. कितने? तो सबसे पहले मशीन में मुझे बताइए कि इसमें वॉवेल्स कितने हैं. मैं सभी वॉवेल्स को अलग लिख रहा हूं. थ्री वॉवेल है. कौन कौन सा बेटा? कौस्तु बोलना. ए आई टी है ना वॉवेल? यस सर. हाँ सर. बोलना वॉवेल इतने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? बाकी के चार. कॉन्सोनेंट बोलना क्या होगा? कॉन्सोनेंट कितने हैं? चार. बोलो ना क्या क्या. आवाज तो वोएम कॉस्टु वेन थर. जल्दी बेटा. चार. MCHN. गुड. ए आपने कॉन्सोनेंट और वोवेल की बातें तो कर लिया. अब कंडीशन जो है, मैं कंडीशन पे काम करूंगा. और इसमें बोला है कि वोवेल ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन. इवन पोजीशन समझते हो ना? तो मैं सबसे पहले डब्बे बना लेता हूं. ये डब्बे कहां ही खेले बेटा? मैं लिख रहा हूं केस वन, कंडीशन वन. मैंने डब्बे बना लिए सारे. कितने सात है ना? एक दो तीन चार पांच छह. एक और बनाना पड़ेगा. साथ बोला ना आप लोगों ने? हाँ सर. मशीन जो वर्ड है इसमें कितने लेटर हैं टोटल? एक दो तीन चार पांच छह सात. एक दो तीन चार पांच छह सात. अरे बोलो. यदि मैं सबके पोजीशन की बात करूं, सबके पोजीशन की बात करूं, नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. अरे बोलो, सात पोजीशन है ना? यस सर. जिसमें इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं? दो चार छह बोलो. तीन. दो चार छह तीन. इवन पोजीशन कितना है? तीन. कौन कौन सा? दो चार छह. यानी इवन पोजीशन है टू फोर एंड सिक्स. बोलिए. यस सर. तो आपको मालूम है ना कि इवन पोजीशन पे आपको क्या लिखना है? वॉवेल्स लिखना है. तो वॉवेल्स कितने हैं? तीन. और इसके लिए मुझे क्या प्लेस करना है यहाँ पे? वॉवेल्स प्लेस करना है. वॉवेल्स को डालना है उसमें. तीन वॉवेल्स है. अब तू बताना, वॉवेल्स भी आपके सामने है. ए आई ई आई ई. तो ए वाला हो गया वॉवेल के लिए, हो गया तीन. ए भी वॉवेल के लिए हो गया. तो तू बता कि वॉवेल को प्लेस करने के तरीके कितने हो जाएंगे? ऑप्शन है. पहले वॉवेल करो, दूसरे के पास दो रहेगा, एक के पास एक रहेगा. एट. एक. वॉवेल को प्लेस करने के तरीके कितने हो गए इसका? सिक्स. क्यों? ये बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. बस ये बॉक्स को देखना. बॉक्स आपको तीन ही जगह है वॉवेल को रखने के लिए, और तीन वर्ड भी है.
तो पहले वाले डब्बे में तीन ऑप्शन, दूसरे वाले को दो ऑप्शन और तीसरे वाले को एक ऑप्शन। अब बता कॉन्सोनेंट कितने? चार। अरे बोलो चार। कहाँ कहाँ रहेगा यहाँ पे रहेगा कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ रहेगा बेटा बोलना? एक, तीन, पांच, सात। कॉन्सोनेंट भी चार है और चार ए भी है, तो नीचे लिख देना एट द फोर प्लेस, द फोर प्लेस ही है ना कॉन्सोनेंट के लिए। हाँ सर। चार प्लेस पे ये चार वर्ड को प्लेस करना है तो चार फैक्टोरियल, दो इंटू एक है ना, यानी 24 हो जाएगा ना ये। यस सर। तो वोवेल को इतना हो गया और कॉन्सोनेंट के लिए कितना बेटा बोलना? चार, यानी फोर कॉन्सोनेंट कैन बी प्लेस्ड एट फोर प्लेस दैट इक्वल्स टू फोर फैक्टोरियल, यानी फोर फैक्टोरियल भी लिख सकते हो और कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकते हो चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, चार तीन दो एक लिख दिया मैंने, यानी कितना 24 ऊपर से कितना था 6, तो टोटल कितना होगा 144। ये सवाल आप अच्छे तरीके से करना बेटा घर पे। नेक्स्ट दे रहा हूं ऑड पोजीशन पे, कंडीशन वन हो गया है, कंडीशन टू लिखिए आप ऑड प्लेस पे। सर दो मिनट सर। हाँ बेटा ऑड प्लेस पे आंसर मैं लिख देता हूं 576 है, एक बार आप इसको कल करके लाना एज ए होमवर्क। आंसर इज पोजीशन, ऑड पोजीशन चार है ना, कितना भी हो मैं बोला हूं आंसर, तुम देखना कि ऑड पोजीशन कितने हैं। यस सर। चार ऑड पोजीशन है, तीन वोवेल है, कोई एक खाली रहेगा, अभी कंसेप्ट आपने सीखा, कोई एक खाली रहेगा तो क्या होगा? चार डब्बे हैं अपने पास। हाँ समझा सर, कोई एक खाली रहेगा तो चार खाली रख सकते हैं, तो चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक ही बात होता है, कोई ज्यादा नहीं रहता। समझा सर। बोलो। रेडी? यस सर। चलो तो आज बस इतना ही बेटा, और पुराना असाइनमेंट जो भी था आपका कॉनिक सेक्शन का जल्द से जल्द सबमिट करिए, फिर मैं बीच में क्लास रोक दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फिर रोक दूंगा, फिर आपको पूरा ब्लैंक हो जाएगा दो चैप्टर पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी जो आपको सीईटी में भी है, इसलिए फिर कभी भी खतरे पे घंटी लग जाएगा बेटा, इसलिए असाइनमेंट जितना जल्दी, ऐसा आप मत सोचिए कि सर भूल गए होंगे या सर जो सर कॉनिक सेक्शन का कौन सा सर असाइनमेंट जिसका दिया हूं कॉनिक सेक्शन का, कृपया कर कॉनिक सेक्शन का असाइनमेंट जिसके पास मिला है आप जल्द से जल्द मुझे सबमिट करें, कुछ लोग का सबमिट हुआ था, बहुत लोग का बाकी है, बराबर है। मैं दो दिन तक समय दे रहा हूं, मैं कल तक दे रहा हूं समय, कल के बाद नहीं रहेगा, अलाउ नहीं करूंगा लेक्चर। रेडी? कल तक समय दे रहा हूं आपको, कल तक सबमिट हुआ तो सही है और नहीं हुआ तो फिर कल के बाद लेक्चर अलाउ नहीं होगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि मैं कुछ और भी असाइनमेंट देना चाह रहा हूं, वो कंप्लीट करके मुझे दीजिए तो ही दूसरा दूंगा, क्लियर है ना? चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आइस करी। बाय सर। बाय सर।
you.